दोस्तों, जब भी कोई हमें बार बार कॉल करके परेशान करने लगता है, तब उस समय पर हमारे दिमाग में बस ही एक ही चीज़ आता है कि अपने फ़ोन को हम स्विच ऑफ कर दें या फिर अपने हम सिम को पावर एरोप्लेन मोड में डाल दें। केवल यही सलूशन बस बचता है, या फिर ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में डालेंगे तो सामने वाले बंदे को भी पता चल जाएगा कि उसने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी को ब्लैक लिस्ट में भी नहीं डालेंगे, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं करेंगे, ना ही एरोप्लेन में डालेंगे, एरोप्लेन मोड में भी नहीं डालेंगे, फिर भी आप उस बंदे को रोक सकते हैं आपको बार बार कॉल करने से। तो सो इस वीडियो में एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एक फ़ोन में होती है, और आप उस सेटिंग के माध्यम से इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है तो आप उस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद सामने वाला बंदा ना तो आपको कॉल कर पाएगा ना ही मैसेज, और आराम से अपने फ़ोन में आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी सेटिंग है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, उस सेटिंग को इनेबल करने के सेल सबसे पहले चलते हैं अपने मेन सेटिंग पर। देन मेन सेटिंग पर आने के बाद हमारे सामने एक यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आपके में ऊपर नीचे कहीं पर शो हो रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ पर सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन को। यानी इस ऑप्शन में हम आएंगे तो हमको यहाँ पर सिम कार्ड के बारे में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमको डाटा एन ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल्टी इनेबल्ड। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस ऑप्शन का मतलब यूज नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इस ऑप्शन का यूज क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शन जब तक इनेबल है तब तक आपके मोबाइल में मतलब एक यहाँ पर वॉल्टी आ रहा है। जैसे आप इसको डिसेबल कर देंगे तो वॉल्टी भी हट जाएगा, और साथ ही आपकी जो कॉलिंग सर्विस है, मैसेज वाली सर्विस है, वो भी डीएक्टिवेट हो जाती है, वो भी बंद हो जाती है। तो अगर आपको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है और सामने वाले बंदे को आप रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं, उसके कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमारा इंटरनेट यहाँ से ऑन है, हम इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। मैं आपको यूट्यूब पर चल के दिखा देता हूँ, मेरा इंटरनेट अभी ऑन है, और कोई सामने वाला बंदा अगर कॉल करेगा तो कॉल भी नहीं कर पाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा इंटरनेट फिलहाल ऑन है, और हमको सामने वाला बंदा अगर कोई कॉल करता है तो कॉल भी नहीं कर पाएगा। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन में कॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारी कॉल यहाँ पर लग रही है या फिर नहीं। चूँकि थोड़ा सा टाइम 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, चूँकि हमने हमारे पास एक दूसरा फ़ोन नहीं था तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को जुगाड़ किया। लेकिन इस फ़ोन से आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस फ़ोन में कॉल करूँगा तो भी यह कॉल नहीं लगेगा। हमारे इस फ़ोन का जो नंबर है मैं यहाँ पर डायल कर लेता हूँ, देन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा फ़ोन अभी फिलहाल यहाँ पर ऑन है और यह यहाँ पर स्विच ऑफ यह दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको वोल्टी को यहाँ पर डिसेबल यानी सॉरी इनेबल करता हूँ तो फिर कॉल लगना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिम कार्ड में जाता हूँ, फिर इसको हमने इनेबल किया, अब वहाँ पर वोल्टी आ जाएगा। देन मैं आपको इस नंबर पर कॉल करता हूँ तो कॉल लगना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कॉल किया और इसमें यहाँ पर कॉल लग गई है। तो कुछ इस तरह से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक तरह से सामने वाले बंदे अगर ऐसे परेशान करते हैं, कोई कोई ना कोई ऐसा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होगा जो को बार बार कॉल करके परेशान करता है, तो आप इस ऑप्शन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और परेशान होने से बच सकते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर एरोप्लेन मोड में किए बिना ही इससे प्रॉब्लम का सलूशन आप पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर हुई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और अधिक पाना चाहते हैं तब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।